वेलकम बैक टू मैजिकल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका फिर एक बार एक दूसरे वीडियो में। आज का वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे लोकी की सीज़न 1 के लिए के ऊपर। वीडियो थोड़ा लेट हो गया, मतलब कुछ 3 महीने जितना टाइम हो गया, लेकिन फिर भी लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, अगर आपने मेरा इस साल का वो TBR वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा कि मुझे इस साल में क्या देखना और क्या रीड करना है, तो आपको पता होगा कि मैंने बोला था वहाँ पर कि मुझे इस साल के अंदर कुछ MCU के कुछ मूवीज़ देखने हैं या फिर शायद सब मूवीज़ देखने हैं। तो मैंने मतलब स्टार्ट किया था इसलिए क्योंकि दिसंबर के अंदर मार्वल MCU वाला का स्पाइडरमैन नो वे होम का मूवी आने वाला है। तो मुझे पता चला कि जो सारे मूवीज़ बनाते हैं MCU वाले, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मतलब मैंने सोचा ऐसे ही कुछ देखने से अच्छा पहले से स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। लेकिन बात ये थी कि मुझे ऐसे मूवी नॉर्मली साइंस फिक्शन मूवी नहीं पसंद आते जिसके अंदर मतलब कुछ केमिकल इफेक्ट के कारण या फिर कोई ऐसी कुछ सुपर पावर आ जाती है और फिर वो अवेंजर बनता है और फिर मतलब दुनिया को बचाता है ऐसे विलेन के सामने जो सिर्फ मतलब दुनिया की तबाही करना चाहते हैं। तो मतलब ऐसी स्टोरी मुझे नहीं पसंद थी, तो मैंने उसको ऐसे मतलब Phase 1 तक देखा, Avengers तक, और फिर छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि लोकी की सीरीज़ आने वाली है और उसकी टाइमलाइन जो है वो Avengers के बाद से ही है। मतलब Avengers Endgame की कुछ चीज़ है, लेकिन ओवरऑल तो सिर्फ वो Avengers तक क्या हुआ था तो मुझे पता था। और इसके अंदर जो लोकी बताया जा रहा है वो Avengers के अंदर के लोकी के साथ क्या होता है आगे, वही बताया जाता है। मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वही तो है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है चलो अब लोकी को देख लेते। तो मैंने एक एपिसोड मतलब वैसे जब रिलीज़ हुआ तब मैंने डाउनलोड करके देखा और तब मतलब मुझे ठीक ठाक मतलब ऐसे अच्छा लगा। लेकिन वैसे ही मैंने बोला कि और कोई चीज़ से कुछ ऐसी कुछ ऐसे ना देखने से अच्छा ऐसा इसको देख लेना अच्छा, अगर ये अच्छा लगा तो इसका मैं रिव्यू भी बना सकता हूँ, ऐसा सोच के मैंने उसका एक एपिसोड देखा। मुझे ठीक ठाक लगा बराबर। और फिर मतलब वेनसडे पे एक एपिसोड आता है, तो मैंने मतलब सोचा कि चलो अच्छा होगा दूसरा एपिसोड। तो दूसरा एपिसोड जब आया तो मैंने देखा और आधे तक तो ठीक ठाक लगा, लेकिन जब एंड आते आते जो मुझे मतलब देखने को मिला और मतलब तब से मैं मतलब ऐसे जैसे फ़ैन बन गया लोकी सीरीज़ का और क्या गजब तरीके से उसको बताया था। और सेकंड एपिसोड जब ख़त्म हुआ तब मतलब मुझे उन्होंने बस फटाफट वेडनेसडे आ जाए कुछ भी करके, क्योंकि यार मतलब थर्ड एपिसोड देखना है मुझे और मतलब वेट हो ही नहीं रहा था। और जब अचानक से थर्ड एपिसोड जब मतलब वेडनेसडे को आ गया तब भी मतलब वो एपिसोड थोड़ा सा छोटा था और इतनी ज़्यादा मुझे मज़ा नहीं आई जितनी पहले या दूसरे एपिसोड में आई, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि चलो आगे कुछ और ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा मज़ा आएगी। वैसे ही सेम 4th एपिसोड के अंदर बहुत ज़्यादा सस्पेंस और मिस्ट्री के कारण मुझे वो अच्छा लगने लगा। और जब मतलब 5th एपिसोड आया क्या मतलब ज़बरदस्त था, कितनी मिस्ट्रीज को मतलब बताया गया। और 6th एपिसोड जो आज ही मतलब अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तब जाके 6th एपिसोड आ गया और मैंने देख लिया। मैंने मतलब सोचा था स्टार्टिंग में कि एक एक एपिसोड के ऊपर एक एक वीडियो बनाया जाए, तो मैंने सोचा उससे अच्छा एक साथ पूरे सीज़न का वीडियो बना डालेंगे। तब मतलब स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि इसके सिर्फ 6 एपिसोड ही होगी, इसको और सीज़न होगी नहीं, ऐसा कुछ मतलब मुझे नहीं लगता। मुझे लगता था कि भाई स्टोरी एंड हो जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, जो स्टोरी उन लोगों ने बताना चाह रहे थे वो स्टोरी हमको मिल गई, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो सब मतलब क्या बवाल जो खड़ी हुई है उसका मतलब क्या होगा वो सब नेक्स्ट सीजन में देखने को मिलेगा। और अभी मतलब लोकी जो है वो मुझे पसंद इसलिए आती है क्योंकि उसके अंदर दुनिया को तबाह करना या दुनिया को बचाने का कोई मिशन नहीं है। इसके अंदर मतलब कोई विलियन या हीरो बनने जैसा कुछ नहीं है। मतलब ओवरऑल स्टोरी आपको मेन स्टोरी बता देता हूँ कि स्टोरी के अंदर जो ऐसा होता है कि अगर मतलब आपने कुछ भी नहीं देखा तो फास्ट रिकवैक दे देता हूँ। MCU के अंदर मतलब ऐसा होता है कि MCU का मतलब नॉर्मली आपको पता ही होगा, अगर शायद आपको नहीं पता या फिर शायद आप रिकेप जानना चाहते हो तो उसके अंदर ऐसा होता है कि मतलब कोई कोई मतलब ऐसे अलग अलग अवेंजर्स ऐसे सुपर हीरो होते जैसे आयरन मैन हो गया, हल्क और वो सब। मतलब स्टार्टिंग के टाइम में 7 अवेंजर्स होते और वैसे 7 अवेंजर्स के सामने जब मतलब लोकी जो होता है वो असगार्ड नाम के एक दुनिया ग्रह ऐसा कुछ बोल सकते राजधराना, तो वहाँ का जो होता है वो दूसरा भाई होता है, बड़ा भाई होता है थोर। तब उसके पास अल्टीमेटली राजगाड़ी तो आने वाली ही नहीं,
तो मतलब उसको फिर आगे जाके पता चलता है कि वो एक जो उनके सामने जो दुश्मन थे उनके जो पापा थे ओडिन ने, उन्होंने फ्रोस्ट जाइंट करके मतलब ऐसे ठंडे राक्षस जा कह सकते हैं वाइट हॉल की तरह, तो उनके साथ लड़ाई की और छोटा सा बच्चा जो मिल गया था उसको अपने पास ही रख दिया, वो था लोकी। और जब लोकी को पता चलता था, लोकी बोलता है कि अब राजगादी होनी चाहिए मेरी। उस टाइम के अंदर थोर मुझे उनको दिखाया जाता है कि ओडिन के सामने थोर कुछ गलत काम करता है तो थोर को दुनिया से निकाल देता है, मतलब अपनी दुनिया से निकाल के अपनी दुनिया मतलब असगार से निकाल के अपने दुनिया में धकल देता है, उसकी शक्ति भी चले जाते, फिर वो फिर शक्ति लेके आता है वगैरह वगैरह जो कुछ होता है। और फिर जब मतलब थोर वापस आ जाता है तब लोकी को निकलना पड़ता है, और उस टाइम पे लोकी थेनोस के पास जाता है। अब थेनोस जो वो आदमी एक टाइटन होता है, वो अलग अलग ग्रहों पे जाके मतलब ऐसा करता है कि आधे लोगों को मार डालता है और वहाँ के ऊपर हुकूमत करता है लोगों के ऊपर, आधे लोगों के ऊपर। तो वैसा काम के लिए अपनी दुनिया जो अर्थ है उसके लिए वो लोकी को भेजता है कि तू जा और आधे लोगों को मार डाल। लेकिन उस टाइम पे जो अवेंजर्स थे, सात अवेंजर, वो मिलके लोकी को हरा लेते। अब जब लोकी हार जाता है तो उसके पास ऐसा मतलब ऐसा था कि छः पत्थर होने चाहिए, उस छः पत्थर से मतलब छः पत्थर से एक ऐसा गॉमलेट जैसा उसके अंदर हाथ में डाले, उसके चुटकी बजाए तो आधे लोग मर सकते थे। तो वही उसके पास जैसे रखा और वो पकड़ा गया। और जब अवेंजर्स उसको पकड़ के ले जा रहे थे तो वो पकड़ा गया, फिर उसके साथ आगे जो हुआ वो फिर आगे मर गया, वो इस सीरीज़ के लिए काम का नहीं है। और यही स्टोरी अवेंजर्स तक बताई जाती है। लेकिन जब आगे जाके थेनोस के पास छः पत्थर मिल जाते हैं, वो चुटकी बजा देता है, सब मर जाते हैं। थोड़े से स्पॉइलर है ये सब, अगर आपको एमसीयू ना पता हो, लेकिन ये करीब के तरह है, इस सीरीज़ देखने के लिए काम आएगा। और जब मतलब थेनोस चुटकी बजा लेते हैं, आधी पॉपुलेशन मर जाती है, फिर जब बचे कुछ जो अवेंजर्स होते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि हम थेनोस जिस जगह से पत्थर ले रहा है, इन्फिनिटी स्टोन जहाँ से ले रहा है, उससे पहले ही हम वहाँ पर जाके पत्थर ले ले। तो थेनोस को जो पत्थर मिला था तो वो पहले लोकी के पास गए, वहाँ पर जो अवेंजर्स वाला सीन मिलता है, अवेंजर्स का फर्स्ट पार्ट वाला, जहाँ पर लोकी को लेके जा रहे थे, तो वहाँ पर लोगों का प्लान था कि लोकी के पास से पत्थर ले ले और मतलब उससे पहले ही चला जाए। तो इस टाइम में क्या होता है कि कुछ गड़बड़े से हलबलची होती है, उसके कारण जो है ऐसे ही मतलब अफड़ा थोड़ी मच जाती है और लोकी के हाथ में आ जाता है टेसरैक्ट और वो लेके कहीं पे गायब हो जाता है। बस उसके बाद एवेंजर एंडगेम के उसका बारे में उसका कुछ नहीं बताया, आगे मूवीज़ में भी नहीं बताया, लेकिन ये जो शो है वो उसी के ऊपर ही पूरा फोकस करता है। अब ये शो की बात कर लेते हैं। शो की स्टोरी में कुछ ऐसा है कि देख TVA वाले जो होते हैं, TVA नाम याद रखना, ये लोग ऐसे होते हैं कि जो एक सीधी टाइमलाइन जा रही है, जो सीधा रास्ता जा रहा है, समझ लीजिए रास्ता ही, उसके अंदर से कोई मतलब आगे पीछे जाए, जैसे लोकी का जो है वो अवेंजर के हाथ से पकड़ा जाना है, फिर उसके बाद वो करना फिर मर जाना। लेकिन इसके अंदर उसने कुछ अलग किया, अलग रास्ता पकड़ा, अलग एक सेक्रेट टाइम लाइन ढूंढी, उसके कारण अब उसको पकड़ा जा रहा है। TVA वाले वैसा ही करते हैं, तीन टाइम कीपर्स जो होते हैं वो TVA को संभालते हैं, और TVA वाले मतलब ऐसे लोगों को रोक लेते हैं, और TVA अलग अलग साल में जाके कुछ भी कर सकते हैं। और फिर हमको धीरे धीरे सब कुछ पता चलता है, और बिना स्पॉइलर के इतना बोल दूँ सिर्फ कि एक लोकी नहीं होता ऐसे, मतलब जैसे लोकी ने ऐसा किया उसके कारण ऐसे बहुत सारे वेरिएंट बन जाते हैं, वेरिएंट मतलब अलग अलग रूप का, मतलब कोई लोग ये हो सकता है लोकी तो हो लेकिन उसके जैसा ना दिखता हो, कोई हो सकता है कोई फीमेल हो, कोई हो सकता है कोई अलग हो, ऐसा सब कुछ करके। और ऐसा मतलब आगे और ज़्यादा मजा आती है जब हम सेकेंड एपिसोड देखते हैं, उसका एंड देखते हैं, तब तक फिर थर्ड में नहीं लेकिन फोर्थ में और फिफ्थ में तो क्या एपिसोड था, मतलब कितने सारे हमको वेरिएंट्स को देखने को मिलता है। और यहाँ तक देखने के लिए आपका थैंक्स, वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि अब वीडियो में रेगुलर बनाऊँगा शायद तक, प्लीज़ देखिएगा और शेयर कर देना और लाइक कर देना इस वीडियो को, थैंक यू। और यहाँ पर एंड में मैं आपको एक स्पॉइलर मतलब बोल देता हूँ कि भाई सिक्स्थ के एप में एंड में क्या हुआ था, अगर आप मतलब देखना चाहते या फिर स्पॉइलर नहीं चाहते तब जा सकते, और अगर आपको ऐसे मतलब फालतू सी क्यूरियोसिटी है या फिर मतलब यहाँ तक अगर पहुँचे भी है तो थैंक यू। और मतलब एंड में ये होता है कि लोकी का मतलब सेकंड वेरिएंट नहीं, ये बताना सही नहीं रहेगा, लेकिन सिर्फ हाँ इतना है कि लोकी जो वेरिएंट के साथ हमने स्टार्ट किया था वो लोकी कोई दूसरे ही यूनिवर्स में पहुँच गया है, और मतलब मज़ा आने वाली है। लोकी का सेकंड सीज़न भी होने वाला है और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और
देखते कब आता है। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। और अगला वीडियो शायद मेरे हिसाब से मैं क्लैश ऑफ द किंग्स की दूसरी बुक है उसके ऊपर रिव्यू बनाऊंगा। कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ प्लीज़ ज़रा देख के लाइक दे देना। थैंक यू वेरी मच।